अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पंजाब रेंजर्स की पोस्ट, जिनका आपको बहुत देर से इंतज़ार था। तो आइए देखते हैं कि पंजाब रेंजर्स ने सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, नायक जनरल ड्यूटी और सिपाही जनरल ड्यूटी की सीट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं। तो सबसे पहले इनका देखते हैं कि कोटा जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अगर आप देखें तो मेरिट की जो है वो 7.5% है। इसी तरह पंजाब का जो प्लस जो इस्लामाबाद और फेडरल एरिया है उसकी 50% है। इसी तरह से जो सिंध का कोटा है वो 7.6 है। सिंध देहाती इलाका जो है उसकी 11.4 है। खैबर पख्तूनख्वा में 11.5 है। बलूचिस्तान में 6% और खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो न्यू अजला हैं उन जिनको हम सबका फाटा जो है कहा जाता है उनकी 3% है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का 1% कोटा है और आज़ाद कश्मीर का 2% कोटा है। तो अब हम देखते हैं इसका तालीमी मेयार कि इन पोस्ट के लिए जो है तालीम की मेयार कितनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है कम से कम FA होना ज़रूरी है। इसी तरह जो नाइक जो है जनरल ड्यूटी उसके लिए कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। इसी तरह जो सिपाही की जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए अगर आपकी जो है मिडल की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसकी उम्र की हद देखी जाए तो 18 से 30 साल की उम्र वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है सबका फौजी हजरात इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन सीट्स के लिए तो उनकी उम्र जो है इसी तरह से होगी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 45 ईयर और नाइक के लिए 40 ईयर्स और सिपाही के लिए 35 साल की जो है हद मुकर्रर की गई है। इसी तरह से अगर जो है जिस्मानी मेयार की बात की जाए कि कद जो है वो 5 फुट 6 इंच चाहिए। इसी तरह से जो छाती है वो जो है 33 इंचेस बीमा उसकी जो फैलाव है वो 1.5 इंच होना चाहिए। इसी तरह वजन जो है वो कद के हिसाब से देखा जाएगा लेकिन पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है। जी स्टूडेंट्स, जो इसके लिए अप्लाई करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है कि आपने जो है सिंपली www.pakistanrangerspunjab.com की जो इनकी वेबसाइट खोलनी है और उसके ऊपर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन करके आपने अपने जो तमाम कवायफ हैं उसमें फिल करके उसको सेंड कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है तमाम जो ज़िला हैं या तमाम जो डिवीजन्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है डेट्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें उनको जो अप्लाई करने के बाद आपको डिफरेंट डेट्स में जाना पड़ेगा अपनी जो तबई जो आपका मुआयना है उसके लिए, प्लस जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो कौन सी डेट्स हैं वो जो है वन बाई वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है सुपर बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ये या कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम देख सकते हैं कि मकरान जो डिवीज़न है उसका 2 सितंबर को जो है इनको भर्ती के लिए जो है बुलाया गया है। इसी तरह जो कलात डिवीज़न है उनको 3 सितंबर को, इसी तरह नसीराबाद को 4 सितंबर को, सिब्बी को डिवीज़न जो है उनको 5 सितंबर को बुलाया गया है। इसी तरह से जो क्वेटा है क्वेटा में जो है 7 सितंबर को भर्ती के लिए बुलाया गया है। इसी तरह से जो डिवीज़न योब है उसमें जो है भर्ती के लिए 8 सितंबर को जो है बुलाया गया है। इसी तरह जो है तमाम जो डिवीजन्स हैं उनके सामने उनके अजला भी मेंशन किए गए हैं। आप जिस भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं आप देख सकते हैं कि आपका किस डेट को आ रहा है। इसके अलावा सामने जो है ये भर्ती का जो मकाम है जिस मकाम पे आपको पहुँच कर अपना मुआयना करवाना है वो भी आगे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है जी सूबा सिंध की जो सखर डिवीज़न है इनका 2 सितंबर को होगा, लाड़काना का 3 सितंबर को, इसी तरह से नवाब शाह में जो है 4 सितंबर को होगा, हैदराबाद का 5 सितंबर को होगा, इसी तरह कराची की डिवीज़न जो है इनका 7 सितंबर को होगा, मीरपुर खास का 8 सितंबर को जो है अपने जो रिस्पेक्टिव जो हेडक्वार्टर है जो कि आगे मेंशन है यहाँ पे इनकी भर्ती की जाएगी। हाँ जी, इसके बाद जो है सूबा पंजाब की जो है तमाम डिवीजन्स की जो है यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। आगे जो है इनकी डेट्स भी मेंशन है और हेडक्वार्टर्स भी मेंशन किए गए हैं कि आपने जो है डेरा गाजी खान जो डिवीज़न है यहाँ पे देख सकते हैं कि हर ज़िले की जो है अलग अलग जो है डेट मेंशन की गई है। डीजी खान की 2 सितंबर है, लैया की 3 सितंबर है, मुजफ्फरगढ़ की 4 सितंबर है, रहीम यार खान की 5, भावलपुर की 2 और भावल नंबर नगर की 3 सितंबर, खानेवाल की 4 सितंबर, मुल्तान 5 सितंबर, लोधरा जो है वहाँ 7 सितंबर और इसी तरह से जो है ये आप अपनी जो है तमाम जो है डिटेल इसकी देख सकते हैं। इसी तरह से जो है फैसलाबाद डिवीज़न में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये डेट मेंशन हैं। आगे जो है आपके हेडक्वार्टर जो हैं आगे मेंशन किए गए हैं। आप जिस भी
डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपने रिस्पेक्टिव जो है हेडक्वार्टर पे पहुंचना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे ज़िला और डिवीजन जो है मेंशन है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंतखाब का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसके बाद आपका इब्तदाई जो है मुआयना किया जाएगा, उसमें जो है वो दौड़ भी शामिल होगी। जो इसमें क्लियर होगा उनका जो है फिर तहरीरी और जिस्मानी टेस्ट लिया जाएगा, और उस वो भी जो क्लियर कर जाएगा तो उनको इंटरव्यू में जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो भी जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे उनको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। हाँ जी, इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी, और साथ ही अगर जो हमारे नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो है रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।